देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। भिवंडी शहर की सलाउद्दीन अयूबी स्कूल के विवाद का हुआ खुलासा। जलीस आजमी द्वारा रखी गई 1 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब्दुल हमीद ने अप्रैल फुल बताया। 24 मार्च 2021 यानी के बुधवार के रोज भिवंडी महानगर पालिका की उपायुक्त नौतन खड़े द्वारा किया गया सलाउद्दीन स्कूल का दौरा शहर में चर्चा का विषय बन गया, जिसे आधिकारिक दौरा भी कहा जाने लगा। भिवंडी की सलाउद्दीन अयूबी स्कूल का निर्माण 1974 में खाली पड़ी मलेशिया बिल्डिंग में किया गया था, जिसके अध्यक्ष अब्दुल हमीद अब्दुल खालिक अंसारी, अशफाक अहमद अब्दुल्लाई खान, निसार अहमद यूसुफ अंसारी और मोमिन साबिर अब्दुल सत्तार बनारसी थे। अब्दुल हमीद ने पत्रकार परिषद में बताया कि सलाउद्दीन अयूबी स्कूल गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा देने के लिए बनाया गया था और उस समय जलीस आजमी का उस स्कूल में कोई योगदान नहीं था और न ही उनकी कोई भूमिका रही। अब्दुल हमीद अंसारी ने सलाउद्दीन स्कूल पर जलीस आजमी का अवैध कब्जा बताया है और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जलीस आजमी ने स्कूल को पैसा कमाने का एक जरिया बना रखा है, जिसमें छात्र व छात्रों से अवैध तरीके से डोनेशन व फीस लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जलीस आजमी ने 1 अप्रैल को पत्रकार परिषद कर लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। अंसारी अब्दुल हमीद व एडवोकेट अल्तमस अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान और क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में। सर, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय पर रखी गई और आज का ये मुख्य कारण क्या है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सलाउद्दीन स्कूल का जो मामला चल रहा है उस पर रखी गई, और जिसके जो सदर है, फाउंडर मेम्बर है, वो अब्दुल हमीद अंसारी, जो आज बाहयात है। और इस तरह से जो आज मामला स्कूल के बारे में चल रहे हैं, गैर कानूनी तामीरात, जो बिल्डिंग हुई है, जो सैलरी का मामला है, टीचरों को सैलरी नहीं दी जा रही है, और जो कब्जा उस पर जमा के लीगल तरीके से जलीस आजमी साहब ने रखा हुआ है, आज उस तरह से मीटिंग रखी गई थी। उन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाया बेबुनियाद इल्ज़ाम था। आज हम लोगों ने जो उनकी 1 अप्रैल को जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिस तरह लोगों के साथ 1 अप्रैल फुल मनाया गया 1 अप्रैल को, वही में उनकी न्यूज़ को हम लोग काउंटर करते हुए तमाम बातों को हम सबूत के साथ, पेपर के साथ, जितनी भी FIR उनके पर हुई है, जो भी उनके मामलात हैं, आज हम लोगों ने इस तालु से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उस स्कूल में ना ही तो कोई फायर सेफ्टी है बच्चों के लिए, बच्चों की जानों से खेला जा रहा है, बच्चों के लिए कोई भी तरीके के इकदाम नहीं है, और वहाँ फीस लिया जा रहा है, गैर कानूनी फीस ली जा रही, जायज फीस ली जा रही है, और डोनेशन जैसे बहुत सारे मामलात वहाँ हो रहे हैं। लोगों की जो पेरेंट्स हैं उनकी भी कंप्लेन आ रही है। ये तरीके से हम लोग उनके काम कर रहे हैं और हमीद सैयद अंसारी जो है यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग साथ में तहरीरी कंप्लेन कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने डोनेशन की बात कही, तो डोनेशन एक तरह से खंडनी जैसा संगीन जुर्म है, तो सर आपने इसके पीछे कोई कदम क्यों नहीं उठाया अभी तक? हम लोग इसके पीछे कदम उठा रहे हैं, और ये हम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर जो है खाड़े मैडम को कंप्लेन भी दिया है। जो कंप्लेन जो दिया गया है वो अब्दुल हमीद अंसारी जो है, जो फाउंडर मेम्बर है, इनका मेन मकसद ये था कि जो गरीब तबके हैं, जो अंसारी समाज के लोग हैं, जो जुलाहा लोग हैं, उनके लिए फ्री में मुफ्त तालीम हासिल हो, इसलिए ये स्कूल बनाया गया था। लेकिन आज जलीस आदमी ने एक पैसे की मशीन, एक बिजनेस बना लिया गया है, पैसे का टकसाल बना लिया है, इसलिए हम लोगों ने कॉर्पोरेशन में लेटर देंगे, इसके लिए कार्रवाई करेंगे, और जितना हो सकेगा हम साथ में मिलकर कानूनी कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह जरूर करेंगे, अब कर रहे हैं उसके लिए।